प्रश्नमाला 12B का अभी क्वेश्चन नंबर 7 हल करेंगे, जो कि कह रहा है ए बी सी डी एक वर्ग बनाइए जिसमें ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर हो। तो इसमें देखिए इस तरह का चित्र बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में पहले हम एक लाइन लेंगे, एक रेखा लेंगे स्केल से, देखिए यहां से यहां तक, उसके बाद 5 सेंटीमीटर नाप करके स्केल से, और यहां पे पड़काल रख के यहां पे देखिए इस तरह से चिन्ह दे देंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए वर्ग में हमको मालूम है कि चारों कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है, तो हम यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। इस तरह से पहले 60 और 120 के बीच में 90 डिग्री होता है, तो इस तरह से इस कोण बना लेंगे। और हम जानते हैं कि वर्ग में सारा जो भुजा होता है वो बराबर होता है, तो 5 सेंटीमीटर ये होगा, तो 5 सेंटीमीटर ये भी होगा। तो हम यहाँ से देखिए 5 सेंटीमीटर नाप करके ऊपर में काट लेंगे, ठीक है, और सीधा एक रेखा 90 डिग्री से होते हुए यहाँ तक मिला देंगे। उसके बाद यहाँ से पदकाल रख करके यहाँ से भी 5 सेंटीमीटर काट देंगे और यहाँ से भी 5 सेंटीमीटर काट देंगे, तो दोनों जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे दोनों रेखा को मिला देना है। तो ये हमारा बन जाएगा ए बी सी डी एक वर्ग जिसका एक भुजा कितना है 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक सम चतुर्भुज की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 4.7 सेंटीमीटर और एक विकर्ण 6.2 सेंटीमीटर हो। देखिए इस तरह का चित्र बनेगा क्वेश्चन नंबर 8 में। तो सम चतुर्भुज कह रहा है, तो देखिए हमको सम चतुर्भुज का मालूम है कि सारा भुजा बराबर होता है, ठीक है, और देखिए इसका कैसे बनाएंगे। पहले ए बी एक लाइन यहां से एक रेखा यहां तक ले लेंगे, ठीक है, फिर 4.7 सेंटीमीटर स्केल से नाप करके यहाँ पे पड़काल रख के इस तरह से यहाँ पे चिन्ह दे देंगे। उसके बाद देखिए कह रहा है एक भुजा और एक विकर्ण दिया हुआ है, तो विकर्ण कितना है 6.2 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे स्केल रख पड़काल रख करके और 6.2 सेंटीमीटर हम नाप लेंगे पहले पड़काल में, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे रखेंगे और इस तरह से यहाँ पे चिन्ह दे देंगे। उसके बाद हमको मालूम है कि सारा भुजा क्या होता है, बराबर सम चतुर्भुज का होता है, तो 4.7 सेंटीमीटर नाप करके यहाँ से ऐसे काट देंगे। तो फिर देखिए एक विकर्ण यहाँ से यहाँ मिला देंगे और एक भुजा, उसके बाद यहाँ पे रखेंगे और 4.7 सेंटीमीटर करके यहाँ पे काट देंगे, और फिर यहाँ पे रखेंगे 4.7 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ काट देंगे। तो फिर जहाँ पे दोनों मिलेगा वहाँ पे हमको सी और डी मिला देना है। देखिए यहाँ पे सी लिखना हम भूल गए हैं, तो यहाँ पे सी लिख देते हैं और यहाँ पे डी। तो ए बी सी डी हमारा ये सम चतुर्भुज बन गया जिसका कि एक भुजा दिया हुआ है 4.7 सेंटीमीटर और एक विकर्ण दिया हुआ है 6.2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है एक सम चतुर्भुज की रचना कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाइयां 7.4 सेंटीमीटर और 8.6 सेंटीमीटर हो। तो देखिए इस तरह से इसका चित्र बनेगा। इसमें सिर्फ हमको दो विकर्ण दिया है, तो सम चतुर्भुज में हम जानते हैं कि दोनों विकर्ण आपस में समद्विभाजित करता है, यानी आधा आधा बांटता है। तो इस चीज का यूज करके यहाँ पे प्रयोग करके हम इसको बना लेंगे। देखिए कैसे बनाएंगे, पहले हम AC एक विकर्ण ले लेंगे जिसका कि लंबाई कितना है 7.4 सेंटीमीटर, ठीक है, एक विकर्ण ले लेंगे, पहले एक रेखा खींचेंगे हम यहाँ से यहाँ तक और 7.4 सेंटीमीटर नाप करके देखिए A से C में काट देंगे, A से C पे। अब देखिए 7.4 सेंटीमीटर ये हो गया यहाँ से A से C तक, तो इसका आधा आधा हम लिखे हैं, ये हम बताते हैं क्यों लिखे हैं। ये हो गया 3.7 सेंटीमीटर यहाँ तक, यहाँ पे मान लीजिए 0 है, ठीक है, तो 0 पे दोनों रेखा टकरा रहा है, तो ये हो गया 3.7, ये हो गया 3.7। तो अब देखिए सम द्विभाजित करता है विकर्ण, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे रखेंगे एक प्रकार का और यहाँ से देखिए ऊपर में काटे हैं, ठीक है, यहाँ से इस तरह काटे हैं और फिर नीचे में एक बार काटेंगे इस तरह से, फिर इधर रखेंगे, फिर देखिए काटेंगे ऊपर में इस तरह से, फिर यहाँ से इधर काटेंगे। तो देखिए ये रेखा हम मिला देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये सम द्विभाजित यानी बराबर बराबर भाग में बढ़ जाएगा, क्योंकि हमको मालूम है कि सम चतुर्भुज का विकर्ण होता है वो आपस में सम द्विभाजित करता है, यानी बराबर बराबर भाग में बांटता है। तो देखिए फिर हम क्या करेंगे, जब ये रेखा एक रेखा यहाँ से यहाँ तक हो गया, आधा आधा बांट दिया, तो अब हम देखिए ये कितना कह रहा है कि दूसरा विकर्ण जो है 4.3 और 4.3 कितना हुआ 3, 3, 6, 4, 4, 8, 8.6 सेंटीमीटर है। तो
हम क्या करेंगे उसका आधा 8.6 सेंटीमीटर का आधा कितना होता है 4.3 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे रखेंगे बीच में जहाँ से रेखा गुजर रहा है वहाँ पे रख करके इस तरह से काट लेंगे, ठीक है, और इधर भी इस तरह से काट लेंगे। फिर हम मिला देंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे, फिर यहाँ से सी में मिला देंगे, सी से बी में, बी से और ए से डी। तो ये हमारा ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज बन गया जिसका कि दो विकर्ण सिर्फ दिया हुआ था। तो इस तरह से देखिए इसका पूरा चित्र दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक सम चतुर्भुज की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 5.5 सेंटीमीटर और इसके कोणों में से एक कोण 120 डिग्री हो। तो ये इसका चित्र बनेगा देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का। तो क्या करेंगे, पहले सिर्फ हमको एक भुजा का साइड दिया हुआ है और एक ये कोण दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सम चतुर्भुज है, तो सम चतुर्भुज में क्या होता है सारा भुजा बराबर होता है, ठीक है। तो पहले हम एक लाइन ले लेंगे यहां से यहां तक, उसके बाद 5.5 सेंटीमीटर स्केल से नाप करके यहां पे प्रकार रखेंगे और इस तरह से एक बार काट लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए कह रहा है कि एक कोण है 120 डिग्री, तो पहले हम यहाँ पे 120 डिग्री बना लेंगे। देखिए यहां से एक बार काटेंगे तो 60, 60 एक बार काटेंगे तो 120। अगर आपको कोण बनाना नहीं आता तो मेरे चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है कोण का, वहां पे आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे प्रकार रखेंगे और 5.5 सेंटीमीटर नाप के इस तरह से काट लेंगे, तो सीधे जो 120 से गुजरते हुए रेखा यहाँ पे मिलेगा। अब यहां से रखेंगे तो यहां से 5.5 सेंटीमीटर पे काटेंगे, फिर यहां से ए से रख के फिर काटेंगे, फिर दोनों जहां पे मिलेगा ये रेखा मिला देंगे, ये रेखा मिला देंगे। तो ये हमारा ए बी सी डी एक समचतुर्भुज बन गया जिसका कि एक भुजा और एक कोण बस दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है, एक समलंब ए बी सी डी की रचना कीजिए जहां ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4.5 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर, एंगल बी बराबर 45 डिग्री और ए बी पैरेलल यानी समानांतर है सी डी को, सी डी हो यानी ए बी जो है सी डी का समानांतर हो। तो देखिए इस तरह से इसका चित्र बनेगा। तो पहले हम एक रेखा ले लेंगे, ठीक है, यहां से यहां तक, उसके बाद 8 सेंटीमीटर स्केल से नाप करके यहां से एक बार में काट देंगे। देखिए यहां पे प्रकार रखेंगे, यहां पे देखिए यहां से प्रकार रख करके यहां पे देखिए यहां पर प्रकार रखेंगे और 8 सेंटीमीटर नाप करके इस तरह से काट लेंगे। तो ये एक रेखा हो जाएगा ए बी 8 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है कि एक कोण दिया हुआ है हमको 45 डिग्री, एंगल बी, तो एंगल बी पे 45 डिग्री बना लेंगे, 90 और 0 डिग्री के बीच में होता है 45 डिग्री। तो यहां पे से 0 और यहां देखिए 90 के सामने यहां से ले लेंगे एक बार और 0 से, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे, कह रहा है बी सी कितना दिया हुआ है हमको 4.5 सेंटीमीटर, तो बी पे रख करके यहां पे देखिए एक बार काट लेंगे 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर बी सी। अब हमको दिया हुआ है देखिए, अब कह रहा है कि ए बी जो है समानांतर है डी सी के, तो पहले क्या करेंगे, समानांतर होने के लिए ये एंगल 45 होगा तो ये भी कोण 45 होगा, ठीक है, ये इस रेखा पे, तो हम यहाँ पे रख करके 45 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है, इधर से। तो देखिए एक बार काटेंगे तो 60, दोबारा काटेंगे देखिए यहाँ से यहाँ काटे हैं तो 60 हुआ, यहाँ से यहाँ 60, फिर यहाँ से रख करके यहाँ काटे हैं तो 120, फिर 60 और 120 के बीच में देखिए ये 90 बना और 90 और 0 डिग्री के बीच में क्या बनेगा 45 डिग्री। तो हम यहाँ पे एक 45 डिग्री का कोण बना लेंगे क्योंकि यहाँ पे 45 है, तो इस पे भी हमको 45 डिग्री बनाना है तभी समानांतर होगा ए बी और डी सी रेखा। तो उसके बाद देखिए डी सी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो हम सी पे रखेंगे और डी को इस तरह से काटेंगे, तो ये हो जाएगा डी सी 4 सेंटीमीटर। फिर हम ए डी मिला देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा ए बी सी डी एक क्या है ये समलंब, ठीक है, समलंब बन गया जिसका कि दोनों साइड पैरेलल है, ए बी और सी डी क्या है समानांतर है, और ए बी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, डी सी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और एंगल बी दिया हुआ है 45 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, एक समलंब ए बी सी डी की रचना कीजिए जिसमें ए डी बराबर बी सी 3.4 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 6.4 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 9.8 सेंटीमीटर और ए बी समानांतर हो सी डी का, ठीक है। तो देखिए हम पहले इसका संकेत देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो मान लीजिए कि बी जो समानांतर ए डी का, तो ये बी जो है
समानांतर है एडी का, ठीक है, जो डीसी पर ई पर मिल रही है, तो डीसी पर कहाँ मिल रही है, ई पर। जब ट्रायंगल बी, जब त्रिभुज बी सी, देखिए ये त्रिभुज बी सी है, एक समबाहु त्रिभुज हो गया, देखिए ये 3.4 है, ये इसको मान लिया कि 3.4 है बी, और नीचे देखिए ये 3.4 हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, समबाहु। तो समबाहु का एक कोण कितना होता है, 60 डिग्री। तो जब ये 60 डिग्री होगा और ये हो गया समानांतर चतुर्भुज, तो ये रेखा और ये रेखा समानांतर है, तो इसका कोण भी बराबर होगा, यानी ये कोण इसका और ये कोण इसका बराबर होगा। तो देखिए हमको एंगल डी मिल गया 60 डिग्री इस संकेत से, तो ये संकेत यूज करके हम एंगल डी बराबर 60 डिग्री बना लेंगे। उसके बाद जो दिया हुआ है हमको ए डी बराबर बी सी इतना, ए बी बराबर 6.4 सेंटीमीटर और सी डी बराबर 9.8 सेंटीमीटर करके हम इसको अब बनाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में इस तरह का चित्र बनेगा। तो पहले हम डी सी ले लेंगे 9.8 सेंटीमीटर, क्योंकि ये बड़ा है, तो बड़ा को नीचे लेंगे समलंब में, ठीक है, समलंब चतुर्भुज में डी सी जो नीचे वो वाला भुजा होता है बड़ा होता है इसके ऊपर वाले भुजा से, तो हम ये डी सी ले लेंगे 9.8 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करेंगे, एंगल डी पे 60 डिग्री का कोण बना देंगे संकेत में, जैसा कि दिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे हम 60 डिग्री का कोण बना देंगे इस तरह से। देखिए पहले हम एक रेखा लेंगे यहां से डी से, ये रेखा ले लेंगे, ठीक है, फिर 9.8 सेंटीमीटर स्केल से नाप करके, और देखिए यहाँ पे डी पे पॉइंट रख करके इस तरह से काट देंगे, तो ये हमारा डी सी हो जाएगा 9.8 सेंटीमीटर। उसके बाद डी पे 60 डिग्री का कोण बना देंगे, एक बार काटेंगे तो 60 डिग्री, और ए डी कितना दिया हुआ है, 3.4 सेंटीमीटर, तो हम डी पे रखेंगे और यहाँ पे काटेंगे 3.4 सेंटीमीटर नाप करके, तो 60 डिग्री के सामने से यहाँ तक मिला देंगे, तो ये हो जाएगा ए डी 3.4 सेंटीमीटर। उसके बाद सी पे रखेंगे और यहाँ पे नाप के 3.4 सेंटीमीटर काट लेंगे, तो ये बी सी हो जाएगा 3.4 सेंटीमीटर। अब कह रहा है ए बी, ए बी कह रहा है 6.4 सेंटीमीटर, तो हम ए पे रखेंगे और देखिए यहाँ पे इस तरह से काट लेंगे, तो दोनों रेखा जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे ए बी मिला देना है और ए बी सी मिला देना है, तो ये हमारा समलंब चतुर्भुज बन गया है। समलंब चतुर्भुज नहीं, सिर्फ समलंब है, तो देखिए समलंब बन गया है जिसका कि क्या क्या दिया हुआ था, ए डी बराबर बी सी, देखिए ए डी भी 3.4 और बी सी भी 3.4, और ये दिया हुआ था डी सी 9.8 और ए बी 6.4। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को।